हेलो एवरीवन, मैं आपका रोहित, आपका दोस्त, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने एनएल एक्सपर्ट चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपने ऐप्स को अपडेट कैसे कर सकते हो। तो अपने ऐप्स को अपडेट करने के लिए आपके पास डॉट एपीके फाइल या फिर डॉट एबी फाइल होनी चाहिए। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी फाइल है तब भी अपने ऐप्स को अपडेट कर सकते हो। बट ये तो हुआ बंडल फाइल, ओके। बट अगर आपको ऐप आइकन या फिर स्क्रीनशॉट, फीचर ग्राफिक्स अपडेट करना है तब भी आप इजीली अपडेट कर सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि अपने ऐप्स को कैसे अपडेट कर सकते हो। प्ले स्टोर के ऐप को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में आना है और ब्राउजर में गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट ओपन करना है। तो मैं अपने गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट ओपन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट का डैशबोर्ड आपके सामने दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो ऑल एप्स यानी आपके जितने भी ऐप्स है यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे। मैं सबसे पहले जो आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है उसको हमें ऑडिट करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो जो भी ऐप का ऐप होगा उसका आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट, ऐप आइकन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे जो नीचे ग्रो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है एंड जो सेकंड में मेन स्टोर लिस्टिंग करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपके जितने भी ऐप्स के डिटेल्स होंगे आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। जैसे ऐप नेम, फुल डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ग्राफिक्स, फीचर ग्राफिक्स, स्क्रीनशॉट, जितने भी आपको ऐप के डिटेल्स हो जाएंगे उतने विजिबल हो जाएंगे। अभी हम यहाँ से इसको जितने भी चेंजेस करना है यहाँ से हमें करने होंगे। तो मैं अब सबसे पहले ऐप नेम को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी मेरा ऐप नेम चाहिए। तो देख सकते हो मैंने ऐप का नाम चेंज कर दिया है। अभी मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर देता हूँ। तो देख सकते हो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो चुका है। अभी मैं फुल डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। मेरा फुल डिस्क्रिप्शन भी चेंजेस हो चुका है। अभी हम ऐप का आइकन को चेंज करेंगे। तो जो आपको यहाँ पे सबसे पहले डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इमेज के साइड में, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो भी आपका ऐप आइकन है यहाँ से पहले सबसे पहले यहाँ से डिलीट हो जाएगा। बाद में आपको अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे अपलोड पे क्लिक करोगे यहाँ से आपको जो भी आपके ऐप आइकन को अपलोड करना होगा तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर दीजिए। तो मुझे अगेन यही आइकन को अपलोड करना है इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अभी मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। ओपन होने के बाद यहाँ से ऐप अपलोड हो जाएगा। अगेन मैं फीचर ग्राफिक्स को भी सिमिलरली यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट का जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसलिए मैं यहाँ पे डिलीट अगेन क्लिक कर देता हूँ। डिलीट होने के बाद अगेन सिमिलरली जैसे हमने ऐप आइकन को अपलोड किए थे वैसे हमें स्क्रीनशॉट, ग्राफिक्स को भी सबको ही ऐसे ही अपलोड करना है। तो अभी मैं अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने अगेन फाइल मैनेजर का ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ से एक बैनर सिलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ से एक फीचर ग्राफिक्स भी अपलोड हो रहा है। अभी हम स्क्रीनशॉट को सबसे पहले सभी स्क्रीनशॉट को डिलीट कर देते हैं। स्क्रीनशॉट अभी देख सकते हो पूरे डिलीट हो चुके हैं। अभी हम स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे तो अपलोड बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे स्क्रीनशॉट है यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे फाइल मैनेजर में जितने भी हमने स्क्रीनशॉट रखे हैं। तो सबसे पहले मैं जितने भी हमें स्क्रीनशॉट अपलोड करना है उसको मैं सिलेक्ट कर दे देता हूँ। जिसे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ बाद में आपको यहाँ पे ओपन करना है तो हमारे जितने भी स्क्रीनशॉट हो गए उतने वो अपलोड हो जाएंगे। तो देख सकते हो हमारे स्क्रीनशॉट भी अपलोड हो चुके हैं। अभी हम 7 इंच टैबलेट स्क्रीनशॉट को भी डिलीट करके इसको अपडेट कर देते हैं। तो इसको भी हमने यहाँ से अपलोड कर दिया। अभी नीचे आके हम यहाँ से भी अगेन चेंज करेंगे तो यहाँ से मैं अगेन कोई भी चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई भी चेंजेस कर लेता हूँ। तो देख सकते हो हमारे अभी 7 इंच एंड 10 इंच टैबलेट स्क्रीनशॉट अपलोड हो रहे हैं। तो हमने सभी अभी अपडेट कर दिया है। ऐप आइकन, डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन, ऐप आइकन, स्क्रीनशॉट, जो भी हमारे ऐप डिटेल्स थे उतने भी हमने चेंज कर दिए।
तो इसको अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे हम सेव पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे लोड हो रहा है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबमिटिंग करके। सबमिट के लिए थोड़ा लोड हो रहा है। हाँ देख सकते हो हमारा स्क्रीनशॉट जो भी हमारे चेंजेस थे वो क्लियरली चेंजेस सेव हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैसेज आ चुका है यूए चेंजेस हैज बीन सेव। तो ये तो हुआ फीचर ग्राफिक स्क्रीनशॉट एंड ऐप आइकन के बारे में। अभी हमें ऐप बंडल को अपडेट करना है, तो ऐप बंडल को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्शन ऑप्शन में आना होगा। तो प्रोडक्शन ऑन ऑप्शन जो यहाँ पे रिलीज दिखाई दे रहा है सबसे पहले आपको रिलीज में आना होगा, एंड जो सेकंड में आर दिखाई दे रहा है प्रोडक्शन करके यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम प्रोडक्शन पे क्लिक करते तो आपके सामने ये तीन ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, रिलीज डैशबोर्ड, रिलीज कंट्री, रीजन। तो हमें रिलीज पे क्लिक करना है। जैसे हम रिलीज पे क्लिक कर देते आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके पास एडिट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू रिलीज का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। तो ऐप को अपडेट करने के लिए आपको एडिट पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो थोड़ी देर बाद क्रिएट प्रोडक्शन रिलीज का पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ अपलोड का साइन दिखा रहा है। मेरे पास अभी कोई भी ऐप बंडल अपडेट करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ ओरली बताता हूँ। तो यहाँ पे जो अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो जो भी आपकी ऐप बंडल या फिर एपीके फाइल होगी यहाँ से सिलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड होने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल करके मैसेज आ जाएगा, एंड यहाँ पे एक अगेन सेकेंड आपको ऐप बंडल की फाइल दिखाई देगी। ये होने के बाद आपको सेव का ऑप्शन यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। बाद में आपको सेव पे क्लिक करना होगा, एंड सेव पे क्लिक करने के बाद रिव्यू रिलीज पे क्लिक करना होगा, एंड रोल आउट प्रोडक्शन के लिए आप को ऑप्शन आ जाएगा उस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ये स्टेप पूरे कर देते हो तो आपका ऐप बंडल क्लियरली अपडेट हो जाएगा, एंड नियर अबाउट 24 आवर्स में आपका अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने ऐप को अपडेट कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा कि अपने एप्स को अपडेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।